तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के खड़े डिब्बे में शनिवार तड़के आग लगने से कम 10 यात्रियों की मौत हो गई। दक्षिण रेलवे ने डिब्बे में अवैध रूप से ले जाए गए गैस सिलेंडर को हादसे की वजह बताया है। दक्षिण रेलवे के मुताबिक मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। जिस डिब्बे में आग लगी वह एक प्राइवेट पार्टी कोच था और उसमें सवार यात्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मदुरै पहुंचे थे। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में डिब्बे में सवार 10 यात्रियों की मौत हो गई और वहीं 20 अन्य घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने की कोशिशों में जुटे रेल कर्मियों के अलावा पुलिस, दमकल और बचाव कर्मियों ने डिब्बे से शवों को बाहर निकाला। दक्षिण रेलवे ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आग लगने की घटना शनिवार तड़के 5:15 पर हुई। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा पूरी करने के बाद सीधे बेंगलुरु आए हैं। यहां उन्होंने चंद्रयान 3 के चांद पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से इसरो कमांड से मुलाकात की। मोदी ने वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को गले लगाकर पीठ थपथपाई। फिर इसके बाद इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 की प्रोसेस के बारे में बताया। साथ ही इसरो वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 का मॉडल तोहफे में दिया। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों से बात करते समय पीएम मोदी भावुक उठे। उन्होंने कहा, तन मन खुशियों से भर गया है, भारत अब चांद पर है। 23 अगस्त के दिन जब चंद्रयान ने मून पर लैंड किया तो उस वक्त हर भारतीयों को लग रहा था कि ये उसकी जीत है। मैं एक अलग स्तर की खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं। इसको लेकर मैं बहुत ही बेचैन था, भले ही मैं साउथ अफ्रीका में था पर मेरा मन आप सभी के साथ था। मैं आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहता था और आपको सल्यूट करना चाहता था। आपने जो कोशिशें की उनको मैं सलाम करता हूँ। जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया, इंडिया इज ऑन द मून। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ग्रीस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हर हिंदुस्तानी को बधाई मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया बधाई संदेशों से भरा हुआ है, सफलता इतनी बड़ी हो तो उत्साह लगातार बना रहता है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा ने अच्छी तरह राखी की मर्यादा रखी, सम्मान रखा। सोशल मीडिया पर लोग चंद्रयान को भारत माँ की राखी कह रहे थे। मोदी ने ग्रीस द्वारा दिए गए सर्वोच्च सम्मान का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रीस की सरकार ने मुझे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। मुझे मिले सम्मान के आप सभी भारतीय हकदार हैं। ये सम्मान माँ धरती के चरणों में समर्पित है। अगली खबर, विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को 24 अगस्त को समाप्त कर दिया। विश्व कुश्ती संघ के इस फैसले ने भारतीय पहलवानों के मुश्किल खड़ी कर दी है। इसके कारण भारतीय पहलवान देश के झंडे के अंतर्गत हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
विश्व कुश्ती संघ ने यह फैसला WFI के चुनाव नहीं होने की वजह से लिया, जिसके चलते अब 16 सितंबर से होने वाले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेना होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद 45 दिनों के अंदर चुनाव न होने के चलते भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। बीजेपी सांसद और पूर्व अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, यह देश के लिए बहुत बड़ा आघात है। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जो हमारा इंटरनेशनल संगठन है उसने हमारे भारतीय कुश्ती संघ को भंग किया है। यह बहुत बड़ा आघात है और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि देश जल्दी से इस आघात से बाहर निकले। अगली खबर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की चर्चा देश से लेकर पूरी दुनिया तक है। चंद्रयान ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। यह दिन हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। चंद्रयान 3 का मून लैडर उतरा है, वो अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं। अगली खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राजभवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बालाघाट से विधायक गौरी शंकर विसेन, रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी ने राजभवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि कई दिन से शपथ को लेकर अटकलों का दौर जारी था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। धन्यवाद।